नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन फाइव में हमसे कह रहा है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और 45 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है। The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter is। तो इस ट्रेन को कितना टाइम लगेंगे 850 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में। सबसे पहले तो ट्रेन की हम लंबाई ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है। ये आपका ट्रेन है और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो है आपके पास में गिवन कितना 150 मीटर का। ठीक है, ये ट्रेन है आपका और ये रहा आपका ब्रिज। ठीक है, ये मत सोचना कि ये ट्रेन ब्रिज के ऊपर में, नहीं 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 नहीं, ये अलग में बनाया है। ठीक है, ये ब्रिज है आपका। इस ब्रिज का जो डिस्टेंस है अपने पास में वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 850 मीटर, ये ब्रिज का जो है वो लेंथ है। अच्छा, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपने पास में गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस ब्रिज को, इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी को हमें क्या करना चाहिए कि किलोमीटर पर आर में है, उसको हमें चेंज करना चाहिए, उसको मीटर पर सेकंड में करना चाहिए। तो 45 किलो मींस 1000 मीटर ऐसे ही रहेगा और एक घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक, दो जीरो कैंसिल, थ्री के टेबल से कट कर रहे हैं, 3 2 6 और 3 1 3 3 5 15, 3 2 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2 2 5 10। ठीक है, बचा क्या है, तो v इज इक्वल टू 5 × 5 और डिनोमिनेटर में बचा 2 मीटर पर सेकंड, ये सेकंड में। ठीक है, सेकंड कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू 25/2 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया है, ये हमारा आया है वेलोसिटी। ठीक है, टाइम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक, अच्छा, अपने को क्या करना पड़ेगा कि लेंथ निकालना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ, है ना, ब्रिज लेंथ, इनको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। तो 150 प्लस 850, ठीक है, मीटर, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, ये क्या आ गया, ये आ गया अपना डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी आ जाएगा और डिस्टेंस है 1000 मीटर। ठीक है, और वेलोसिटी है 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सेकंड मल्टीप्लाई होगा, देखो मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि टी इज इक्वल टू 1000 × 2 सेकंड ऊपर गया और यहां 25 आ गया, डिवाइड में जैसे वैसे रहेगा, 25 × 1 = 20/40, है ना, 1000। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 42/80 सेकेंड। कितना आ गया, 80 सेकेंड। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो। हमने क्या किया, हमने ये किया कि सबसे पहले वेलोसिटी को चेंज कर दिया, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, उसके बाद में
ट्रेन का डिस्टेंस या तो लेंथ के हैं, ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ जिस पे क्रॉस करने वाली है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो यहां से हमें डिस्टेंस पता चल गया, टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसके बाद में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है, उसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। और जो बेसिक कैलकुलेशन था वो हमने यहाँ पे किया है, ये 2 × 1000 के साथ मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया, सेकंड को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको आ जाएगा ये 80 सेकंड। अब देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है, अ मूविंग ट्रेन इज अबाउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। एक मूव कर रही है ट्रेन और जब ब्रेक अप्लाई करती है, सॉरी करते हैं, तो उसे रुकने में 20 सेकेंड का जो है टाइम लगता है, ठीक है। एक ट्रेन मूव कर रही है, जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उसको स्टॉप होने में 20 सेकेंड का टाइम ले रही है। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक इज 2 m/s², जो ट्रेन में ब्रेक अप्लाई किया गया है तो उसका जो रिटार्डेशन का रेट है वो है 2 m/s², देन द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। देखिए समझाते हैं, देखिए ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन है मूव कर रही है, ठीक है, और इसमें ब्रेक अप्लाई कर जब किया जाता है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो 20 सेकेंड के बाद में ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। कह रहा है यदि रिटार्डेशन का रेट 2 m/s² है जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, देखो यहां से क्वेश्चन जो है ना मजा बन जाता है। क्या कह रहा है कि यदि रिटार्डेशन का जो रेट है वो 2 m/s² है जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ठीक है, यानी कि रिटार्डेशन मीन्स एक्सीलरेशन -2 m/s², ठीक है, तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। और जब ट्रेन रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी भाई साहब खुद ब खुद 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कि अपने को करना क्या है, अपने को करना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस दिया नहीं है तो आप अगर सोच रहे हो कि सेकंड इक्वेशन लगा दूंगा, नहीं चलेगा, ट्राई करो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी पता करना है आपको, प्लस एक्सेलरेशन -2 है और टाइम आपके पास दिया है 20 सेकेंड का, तो 0 = u मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4, 0 लगा दो, कितना आ गया -40, ठीक है। आगे में चलते हैं, u -40 = 0, हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया और इसको राइट पे शिफ्ट कर दिया, किसको, 0 को, तो u = -, तो +40 m/s, तो ट्रेन जो है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही है, 40 m/s, ठीक है, स्क्वायर नहीं 40 m/s। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सी है, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन कहीं पढ़ने में, रीड आउट करने में अगर मिस्टेक हो तो माफ करना, और इतना इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो और कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप लोग, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है।